हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है रेडमी नोट 10 जब यूरोप में लॉन्च किया तो एक 5G फ़ोन लॉन्च किया, और जब हमारे इंडिया में रेडमी नोट 10 को लॉन्च किया तो एक 4G फ़ोन लॉन्च किया। इससे काफ़ी सारे लोग दुखी भी हुए कि हमारे इंडिया में 5G लॉन्च नहीं किया। तो गाइस, उन्हीं लोगों के लिए जो है Xiaomi फिर से ला रहे हैं रेडमी नोट 10 5G को रीब्रांड करके रेडमी नोट 10 T के नाम से। गाइस, ये फ़ोन इंडिया में आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में आएगा, इंडिया में क्या प्राइस होगा और क्या कलर में आपको देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं, सेम रेडमी नोट 10 5G का डिज़ाइन इसमें है। अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। गाइस, इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा या फिर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं बता सकते हैं। डिस्प्ले में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48MP का मेन सेंसर, 2MP का मैक्रो सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर। गाइस, फोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, बात करते हैं फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है। अगर फोन के रैम और रोम के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6GB रोम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इंडिया में आ सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 11 आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। अगर फोन के कलर की बात करें तो इसमें आपको ग्रीन, सिल्वर, ग्रे एंड ब्लू कलर में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के वेट की। तो ये फ़ोन 190 ग्राम वेट होगा। अगर फोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा, 3.5mm ऑडियो जैक, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, ये सब बेसिक सेंसर जो है इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो चलेगा सर, बात करते हैं इस फोन को इंडिया में क्या प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो गैस, यहाँ पर अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फ़ोन का प्राइस जो है इंडिया में 20,500 रुपये तक हो सकता है। अगर फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखिए, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।